हेलो एंड वेलकम। तो चलिए दोस्तों, हम अपना एनालिसिस शुरू करते हैं आज निफ्टी, बैंक निफ्टी और कुछ पसंदीदा स्टॉक्स की। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा था, कल मैंने कहा था कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। जो कल हुआ था इन्वर्टेड हैमर, जो हमारी कैंडल बनी थी, उससे मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ और वही हुआ। आज सुबह मार्केट ऊपर खुली, सबको लगा कि ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और भड़ाम इतना ज़्यादा नीचे गिरा और हमारा ये कितना लो लगा गया। निफ्टी निफ्टी 15,000 16,000 भी तोड़ गया था, लेकिन फिर बुल्स आए और फिर हमारी क्लोजिंग थोड़ी ठीक ठाक हुई है। तो अभी कुछ नहीं कह सकता मैं ऑनेस्टली। कल जब तक हम यहाँ आए, इसको मुझे लगता है, मुझे अभी भी लगता है यहाँ कुछ बेस बना है, बॉटम बना है, जिसकी वजह से हमें अब ऊपर जाना चाहिए और हमें ये गैप्स तो कम से कम फिल करने चाहिए। मार्केट मुझे लग रही है ओवरसोल्ड सिचुएशन में, लेकिन अभी हमें देखना है, कल और देखते हैं या इस वीक और देखते हैं, फिर डिसीजन लेते हैं कि हमने शॉर्ट्स करने हैं कि नहीं। मंडे से फिलहाल अभी आप शॉर्ट्स मत कीजिए, थोड़ा साइड पे बैठिए। देखिए मार्केट बहुत दयालु है, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी हमें। अगर थोड़ी दो चार अपॉर्चुनिटी मिस हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है, इससे अच्छा है कि हम अपनी कैपिटल को प्रिजर्व करके चलें। ठीक है, तो अभी कल और देखते हैं, हो सकता है यहाँ से एक बॉटम, शॉर्ट टर्म बॉटम बन के यहाँ से ही ऊपर जाए और हमारा कम से कम ये 16,800 तक जाए, और अगर हमें यहाँ कुछ एग्जिट करने के मौके मिले अपने पोजीशन को, हम एग्जिट करें। बैंक निफ्टी भी मुझे लगता है लगभग वैसे ही हुआ होगा। बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी एक अच्छी कैंडल बनी है, इतना बुरा नहीं बना है, ये इन्वर्टेड हैमर बना है और यहाँ से ये कंसोलिडेट होके मुझे लगता है ये कल हमें देखने को मिले शायद, और अगर ये टूट गया तो फिर ये हमें 36,000 37,000 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए कुछ स्टॉक्स ले लेते हैं। टेक महिंद्रा, किसी ने रिक्वेस्ट की थी टेक महिंद्रा, तो टेक महिंद्रा अभी पूरा आईटी करेक्शन फेज में है। फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए अभी देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे है, लगातार करेक्शन में है यहाँ से, और ये लगातार ही डाउन है, और पूरा आईटी ही मुझे लगता है ऐसा है। क्यों ना हम दो चार आईटी के स्टॉक देखें कि क्या वो सब 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे हैं। मुझे लगता है 200 मूविंग के भी नीचे ही होंगे। इन्फोसिस नीचे है, विप्रो नीचे है, लगातार करेक्शन। एससीएल टेक्नोलॉजीज नीचे है, पूरा का पूरा आईटी पैक दोस्तों फिट गया है। टीसीएस, एम्फसिस, ये कहीं डिस्पाइट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा भी बाउंस बैक नहीं हो रहा है कि लोग निकल सके इससे, नहीं निकलेंगे ही नहीं, लोग फंस गए हैं ऊपर, ऊपर के प्राइसेस पे फंस चुके हैं लोग, और अब निकलना मुश्किल ही लग रहा है मुझे तो। इससे ग्लोबली ऐसा हो गया, आईटी स्टॉक्स पिट चुके हैं लोग। तो जब तक हमारा ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाता, तब तक हमें वेट ही करना है ट्रेडर्स के लिए। इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर्स की हमें चिंता ही नहीं है। पिछले 30 साल में इन्फोसिस कितनी बार नीचे गया होगा 50 डे मूविंग एवरेज के, आईटी कितनी बार गिरा होगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म आप अपना डिविडेंड इंजॉय करो, हर 3 4 साल में शेयर बढ़ते चलते जाते हैं, ठीक है ना। तो इन्वेस्टर्स को कोई टेंशन नहीं। चलिए देखते टाटा स्टील में क्या हुआ। टाटा स्टील ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो जैसे मैंने कहा था कि कल का आप मेरा वीडियो देखिए, मई 10 का, मैंने कहा था कि 1120 के आसपास मिलते हैं तो बाइंग करेंगे, वही हुआ। 1120 के आसपास मैंने ही नहीं, सबने बाइंग की, और ये बुल्स इसको ले गए ऊपर 1170 पे। मैंने कल कहा था आपको 1080 1100 1120 तक आए बाइंग की, अगर किसी ने 1120 पे भी बाइंग करके आज ही बेच दिया हो 1170 पे, तब भी 50 रुपये बन गया, और 50 रुपये 1120 पे लगभग 4%, 4% एक दिन में गुड प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं, हम एशियन पे लगा लेते हैं। एशियन पे एशियन पेंट भी इन्वर्टेड हैमर बना है, लेकिन एक बेरिश कैंडल बनी है, रेड कैंडल। तो देखते हैं ये अगर ये 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के कल ऊपर जाता है, तो फिर हमारा टारगेट 235 की तरफ होगा, इसके सुपर ट्रेंड की तरफ। ठीक है,
तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का, और हम देख सकते हैं कि हमारा टाटा स्टील का कल जो हमने बाइंग दिया था वहीं पर बाइंग आया, आज वहीं पर एग्जैक्ट 1120 आया, और 1120 से हमने बाइंग दिया। तो दोस्तों मैं डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि आज का जो वीडियो है, जो हमारा ये वीडियो है, जो सीरीज है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इसके बेसिस पे आपने ना ट्रेड लेना है ना इन्वेस्टमेंट करनी है। आपने जो भी ट्रेड लेना है, जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने फाइनेंशियल एडवाइजर या चार्टर्ड अकाउंटेंट की सलाह से करनी है। हमारा मकसद था सिर्फ आपको दिखाना कि कहाँ चीजें हैं, कैसे हैं, कहाँ सपोर्ट आ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं बार बार बोल रहा हूँ, टाटा स्टील का 1120 पे बाइंग हुई। अगर आपने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कल वो वीडियो दिखाया होगा तो आपकी बाइंग भी वहीं हुई और वहां से 50 रुपये ऊपर गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट लाइक शेयर एंड कमेंट, एंड फिर मुलाकात होगी।